न्यू आईफोन्स दिन ब दिन काफी महंगे होते जा रहे हैं एंड ऑब्वियसली हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसे में यूज्ड आईफोन्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली 25 से लेके 30,000 रुपए की प्राइस टैग पे। अब अभी से कुछ टाइम पहले तक आपको 25,000 रुपीस के अंडर आईफोन 10 एंड आईफोन 10R मिलते थे, बट रिसेंटली कुछ टाइम से आपको 25,000 रुपीस के अराउंड आईफोन 10S भी मिलने लग गया है, जो कि लॉन्च टाइम पे आईफोन 10R से काफी महंगा था। अब मैंने इस वाले आईफोन 10S को परचेज करा 26,000 रुपीस में सेल बडी से, जिसपे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो आप लोग अनबॉक्सिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यू को चेक कर सकते हो। सो अब आज के डेट में आईफोन 10R और आईफोन 10S की प्राइसिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इन दोनों फोन्स में आपको कुछ फिजिकल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, सो आज यहाँ पे हम करने वाले आईफोन 10R और आईफोन 10S का डिटेल कंपैरिजन। हर चीज की डिटेल में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी। सो अगर आप लोगों को भी इन दोनों फोन्स में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई गारंटी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। सो अगर आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। एंड मैं आईफोन 10S का कंपैरिजन आईफोन 10 एंड आईफोन 11 के साथ भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। अब ये दोनों ही आईफोन सेम टाइम पे लॉन्च हुए थे, बट स्टिल आपको डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी ज्यादा बड़ा फर्क देखने को मिल जाएगा। सो आईफोन 10R में आपको बैक में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, वहीं आईफोन 10S में डुअल कैमरा सेटअप। अब बैक से आईफोन 10S एग्जैक्टली सेम लगता है आईफोन 10 जैसा, एंड इसको एक चीज डिफरेंशिएट करती है, वो इसका गोल्ड कलर, एंड स्पेशली आईफोन 10S एंड आईफोन 10S मैक्स का गोल्ड कलर सबसे ज्यादा बिकता है। स्टिल ये चीज आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आपको किस फोन का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, आईफोन 10S की बिल्ड क्वालिटी काफी बेटर है। ये फोन ज्यादा प्रीमियम फील होता है, क्योंकि इसमें आपको सभी प्रो मॉडल्स की तरह साइड में स्टेनलेस स्टील मिलता है। अब दोनों फोन्स में आपको फ्रंट एंड बैक में ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, बट उसके बाद भी आईफोन 10S ज्यादा प्रीमियम फील होता है। एंड वहीं अगर हम बात करें फॉर्म फैक्टर की, तो यहाँ पे अगेन आईफोन 10S ज्यादा कंफर्टेबल है। उसी के साथ आईफोन 10S का वेट स्लाइटली कम है, 177 ग्राम्स वर्सेस 194 ग्राम्स। सो डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की, डिजाइन की, बिल्ड क्वालिटी की, तो इन सभी चीजों में आईफोन 10S को अपर हैंड जाएगा। बट आईफोन 10R में आपको स्लाइड सा एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जो कि मैट फिनिश में होता है, अनलाइक ग्लॉसी फिनिश ऑन द आईफोन 10S, जिसकी वजह से स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं, आप लोग इस फोन को बिना केस के भी इजिली यूज कर सकते हो। वहीं अगर आप लोग आईफोन 10S के फ्रेम पे स्क्रैचेस नहीं चाहते हो, तो आपको केस को यूज करना ही पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो दोनों फोन्स में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, एक फिजिकल सिम एंड एक ई सिम। बट आईफोन 10R में आपको IP67 की रेटिंग मिलती है 1 meter for 30 minutes, वहीं आईफोन 10S में आपको IP68 की रेटिंग मिलती है 2 meter for 30 minutes। बट ये चीज तभी मैटर करेगी अगर आपका फोन खुला हुआ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग यूज्ड या फिर रिफर्बिश्ड आईफोन को ही बाय करोगे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि फोन खुला हुआ होता है। स्टिल आपको कुछ फोन्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि ओपन नहीं होंगे, बट फिर भी आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा कि आप लोगों को पानी में फोन को डालना चाहिए या फिर उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। वहीं इसके अलावा लगभग सेम फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक ची, वायरलेस चार्जिंग, एप्पल पे। सो नाउ अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन दोनों फोन्स में। आईफोन 10S में आपको 5.8 इंचेस की सुपर रेटिना ओएलईडी डिस्प्ले मिलती है, जो कि HDR 10 डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है। एंड आईफोन 10S एंड आईफोन 10S मैक्स लास्ट फोन थे जिसमें आपको 3D टच देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वहीं आईफोन 10R में आपको 6.1 इंचेस का रेटिना IPS LCD पैनल मिलता है, जिसमें कि आपको अगेन HDR का सपोर्ट मिल जाता है, बट ऑब्वियसली आपको ओएलईडी डिस्प्ले की तरह ट्रू HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फर्क तो देखने को मिलेगा। जो आईफोन 10S का डिस्प्ले है, उसमें आपको कंटेंट वॉचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफी बेटर मिलेगा, एंड स्पेशली अगर आप लोग डार्क में कंटेंट को देखते हो, तो जो आईफोन 10S का डिस्प्ले है काफी बेटर लगता है डीप ब्लैक्स की वजह से। वहीं आईफोन 10S का डिस्प्ले ज्यादा शार्प है, इसमें आपको ज्यादा पिक्सल डेंसिटी मिलती है, व्यूइंग एंगल्स काफी बेटर मिलते हैं। बट मेन क्वेश्चन आता है, क्या आईफोन 10R का डिस्प्ले कुछ ज्यादा ही खराब है? तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों डिस्प्ले का जो कलर कैलिब्रेशन है वो एग्जैक्टली सेम है, जो आपको स्लाइट डिफरेंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं कंट्रास्ट रेशियो की वजह से। उसी के साथ दोनों फोन्स में आपको सेम ब्राइटनेस मिलती है 625 निट्स की। स्टिल आउटडोर्स में आईफोन 10S की डिस्प्ले स्लाइटली बेटर लगती है, एंड सेम ब्राइटनेस होने के बाद भी यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है काफी बेटर है। वहीं ऑब्वियसली आपको HDR की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, एंड इस चीज में अच्छा खासा डिफरेंस है। जो वाइब्रेंसी है, कलर्स है एंड ब्राइटनेस है, काफी बेटर मिलेगी। एंड HDR डिस्प्ले के होने की वजह से फोटोज एंड वीडियोस को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो भी स्लाइटली बेटर रहता है। आईफोन 10R के डिस्प्ले में आपको एक स्लाइट सा एडवांटेज मिल जाता है, जो कि है डिस्प्ले साइज का, बट मेरे हिसाब से वो डिफरेंस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना यहाँ पे एक्चुअल डिस्प्ले की क्वालिटी का है।
एंड वही अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो दोनों फोन्स में आपको एप्पल A12 बायोनिक चिप मिलती है एंड जो सीपीयू की फ्रीक्वेंसी है वो भी एक्जैक्टली सेम है, सेम जीपीयू के कोर्स है, बट रैम का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। iPhone XR में 3GB की रैम, वही iPhone XS में 4GB की रैम। सो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में 1GB की एक्स्ट्रा रैम मैटर करती है? सो डेफिनेटली गाइज आपको यहाँ पे स्लाइट सा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। iPhone XS का रैम मैनेजमेंट स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है, बट वहीं अगर हम बात करें डे टू डे टास्क की तो यहाँ पे इन दोनों फोन्स की स्पीड में मुझे कोई भी फर्क नहीं लगा है। अब मैंने iPhone X, iPhone XR और iPhone XS का स्पीड टेस्ट बनाया था, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, बट स्टिल इन रेयर केसेस मैंने कभी कभार ऐसा देखा है जो iPhone XS है वो एप्लीकेशंस एंड गेम्स को स्लाइटली थोड़ा सा पहले लोड कर लेता है, बट जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में 1GB के एक्स्ट्रा रैम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। अब क्योंकि आपको दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम चिप मिलती है जिसकी वजह से आपको सेम सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा एंड अभी से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स इंक्लूडिंग iOS 16। सो मे बी हो सकता है उन अपडेट्स में iPhone XS स्लाइटली अच्छा परफॉर्म करे, बट अभी के टाइम पे डे टू डे टास्क में आपको कोई भी ज्यादा बड़ा फर्क नहीं दिखेगा। एंड अगर हम बात करें गेमिंग की तो दोनों फोन्स में आपको फिजिकली कुछ डिफरेंसेस मिल जाते हैं, लाइक iPhone XS में 1GB के एक्स्ट्रा रैम है, बट वहीं iPhone XR में आपको कम PPI देखने को मिलती है। अब टेक्निकली iPhone XR को स्लाइटली एक एडवांटेज जाना चाहिए था कम PPI की वजह से, GPU को कम रेजोल्यूशन पुश करना पड़ेगा जिसकी वजह से एक एडवांटेज मिलना चाहिए था, बट मुझे दोनों फोन्स की गेमिंग परफॉर्मेंस एक्जैक्टली सेम लगी है। आपको बिल्कुल सेम सेटिंग्स मिल जाती हैं सभी गेम्स में एंड ऑब्वियसली iPhone XS में गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बेटर डिस्प्ले मिलता है, ज्यादा पिक्सल डेंसिटी है। एंड नाउ अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कैमरास। सो दोनों फोन्स में आपको एक्जैक्टली सेम कैमरास मिलते हैं, भले अगर हम बात करें प्राइमरी लेंस की या फिर सेल्फी कैमरा की, बट iPhone XS में आपको एक्स्ट्रा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 2x ऑप्टिकल जूम, उसी के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब दोनों फोन्स के किसी भी लेंस में आपको कोई भी नाइट मोड नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी लेंस की तो यहाँ पे मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा है, मतलब कि दोनों फोन्स एक्जैक्टली सेम परफॉर्म करते हैं। अब ऑब्वियसली ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि दोनों सेम लेंसेज हैं, जो आपको डायनेमिक रेंज मिलती है, कलर साइंस मिलती है, ऑटो फोकस स्पीड मिलती है वो एक्जैक्टली सेम है एंड सेम लेंस होने के साथ साथ यहाँ पे दोनों फोन्स में सेम चिप सेट है A12 बायोनिक चिप, तो यहाँ पे ISP भी सेम है, तो प्राइमरी लेंस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। भले अगर हम बात करें फोटोज की या फिर अगर हम बात करते हैं वीडियोस की, दोनों फोन्स 4K 60fps पे स्टेबल वीडियोस को शूट कर सकते हैं। अब इन दोनों फोन से शूट करी गई 4K 60fps वीडियो में डिजिटल स्टेबलाइजेशन काम नहीं करता है, केवल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काम करता है एंड आपको ये चीज iPhone 11 सीरीज में देखने को मिलती है। स्टिल फुटेज काफी स्टेबल आ जाती है, आपको यहाँ पे जो एक्सपोजर कलर्स मिलते हैं वो फैंटास्टिक है। वहीं iPhone XS में आप लोग जूम कर सकते हो 10x तक एंड 5x की क्वालिटी ऑब्वियसली iPhone XR से काफी बेटर रहती है। उसी के साथ इसका टेलीफोटो लेंस शूट कर सकता है 4K 60fps वीडियो, जो कि अगेन काफी कमाल की बात है। अब प्राइमरी लेंस के कंपैरिजन में आपको एक स्लाइट सा डिफरेंस देखने को मिलता है स्पेशली इंडोर्स में, बट आउटडोर्स में इसकी क्वालिटी काफी अच्छी आती है एज गुड एज प्राइमरी लेंस। उसी के साथ सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज जाता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करने के लिए iPhone XS यूज करता है टेलीफोटो लेंस एंड वहीं iPhone XR यूज करता है उसका प्राइमरी लेंस, जिसकी वजह से एज डिटेक्शन एंड ब्लर आपको iPhone XS में मच बेटर देखने को मिलता है एंड उसी के साथ सेम डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए iPhone XR में आपको थोड़ा सा ज्यादा पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से फोटोज इतने ज्यादा अपीलिंग नहीं लगते हैं। उसी के साथ iPhone XR में एक और ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि ये केवल ह्यूमन सब्जेक्ट्स के पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करता है, वहीं iPhone XS में आप किसी भी चीज का पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर सकते हो, ह्यूमन सब्जेक्ट्स का फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का। बट एक चीज आपको नोट करनी होगी दैट किसी भी फोन का प्राइमरी लेंस सबसे ज्यादा अच्छा होता है एंड टेलीफोटो एंड अल्ट्रावाइड लेंस की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो उस केस में अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में पोर्ट्रेट फोटो को कैप्चर कर रहे हो जहाँ पे एडिक्वेट लाइट नहीं है, लाइक इंडोर्स में या फिर डार्क्स में, तो उस केस में iPhone XR के पोर्ट्रेट फोटोज ज्यादा अच्छे आते हैं क्योंकि ये पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करता है प्राइमरी लेंस से। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड वहीं अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों फोन्स में एक्जैक्टली 7MP का सेल्फी कैमरा है जो कि शूट कर सकता है 1080p 60fps वीडियो। सो भले अगर हम बात करें नॉर्मल फोटोज की या फिर पोर्ट्रेट फोटोज की, कलर्स की, डायनेमिक रेंज की, तो उस चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड वहीं अगर हम बात करें वीडियोस की तो यहाँ पे भी दोनों फोन्स एक्जैक्टली सेम परफॉर्म करते हैं। अब मुझे इन दोनों फोन्स की एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जो कि ये दोनों फोन्स फुल HD पे 60fps वीडियो शूट कर सकते हैं एंड मोस्टली आजकल के फोन्स में आपको मैक्सिमम 1080p 30fps तक की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसकी क्वालिटी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। सो इन दोनों फोन से आप अच्छे खासे सैंपल्स क्लिक कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो एंड इन दोनों फोन्स के जो कैमराज है आज के डेट में भी बहुत ज्यादा केपेबल है, बट डेफिनेटली आपको iPhone XS में ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिलती है ड्यू टू एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस।
एंड वहीं अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की, तो फिजिकली आईफोन XR की जो बैटरी की कैपेसिटी है ज़्यादा है। आईफोन XR में आपको मिलती है 2942 mAh की बैटरी, वहीं आईफोन XS में 2658। अब बैटरी लाइफ बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपका फ़ोन का बैटरी बैकअप होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ कितनी है, बैटरी चेंज है या फिर नहीं, उसी के साथ चेंज बैटरी की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। स्टिल सपोज अगर आपके पास एक आईफोन XR एंड एक आईफोन XS है, इन दोनों फोन्स में एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है, दोनों फोन्स की बैटरी हेल्थ 100% है, तो उस केस में आईफोन XR का बैटरी बैकअप स्लाइटली ज्यादा है। अब जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है एंड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 मिनट से 45 मिनट्स का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप, बट एज हम लोग इन फोन्स को सेकेंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड बाय करते हैं तो उस केस में यहाँ पे चीजें काफी बदल जाती हैं। मैंने जो आईफोन XR वो परचेस करा था OLX से एंड इसकी जो बैटरी हेल्थ है 87% है, एंड वही मैंने ये वाला आईफोन XS सेलबडी से मंगवाया था एंड इसकी बैटरी हेल्थ है 100%। सो ऑब्वियसली इस फोन की बैटरी चेंज है, बट इनिशियली इस फोन की बैटरी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी लाइक एक या दो दिन तक, बट जैसे जैसे मैंने इस फोन को बार बार चार्ज करा डिस्चार्ज करा तो अब मुझे इस फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल रहा है, काफी बेटर है। एंड इसको अगर मैं कंपेयर करूं अपने आईफोन XR के साथ तो मुझे आईफोन XS का बैटरी बैकअप स्लाइटली ज्यादा मिल रहा है। सो इन शॉर्ट आपको इन दोनों फोन्स की बैटरी बैकअप में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा एंड आप लोग हमेशा ही ट्राई करें कि अगर आप किसी भी सेकंड हैंड आईफोन को परचेज करने जा रहे हो उसकी बैटरी हेल्थ एटलीस्ट 87-88% होनी चाहिए एंड इससे कम मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। एंड अगर बैटरी चेंज भी है तो वो अच्छी क्वालिटी की हो। वहीं अगर हम बात करें चार्जिंग की, दोनों फोन्स में आपको 15 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। सो आप लोग इन दोनों फोन्स को चार्ज करने के लिए 20 वॉट्स का अडैप्टर यूज कर सकते हो, बट फोन अराउंड 15 वॉट्स की पावर ही ड्रॉ करेगा। वहीं अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की लाइक फेस आईडी, हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन एंड स्पीकर्स, सो दोनों फोन्स में आपको एक्जैक्टली सेम हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन मिलती है एंड इनफैक्ट इस चीज में मुझे आईफोन 6s से लेकर आईफोन 13 प्रो मैक्स तक कोई भी डिफरेंस नहीं लगा है एंड इस चीज को एप्पल ने अब तक बिल्कुल ही कंसिस्टेंट रखा है। वहीं आपको फेस आईडी की स्पीड भी एक्जैक्टली सेम मिलती है, यहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड वहीं अगर हम बात करें स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स में आपको स्लाइड से कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा माइनर हैं। मुझे आईफोन XS के स्पीकर्स स्लाइटली लाउड लगे हैं, बट वहीं अगर हम बात करें क्वालिटी की तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो सभी बातें हो गई कंपैरिजन की, अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कॉन्क्लूजन की कि आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए एंड आपके यूज के हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए अच्छा होगा। सो गाइस यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, एज आईफोन XR एंड आईफोन XS की प्राइसिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आपको डेफिनेटली आईफोन XS के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एज आपको कुछ चीजों में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा प्रीमियम डिजाइन है, उसी के साथ डिस्प्ले में भी आपको अच्छा खासा फर्क मिल जाता है। बट डेफिनेटली आईफोन XR की अच्छी डील्स मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये फोन ज्यादा सेल हुआ था एंड अभी भी कुछ जगह पे न्यू आईफोन XR मिल जाता है। सो गाइस सभी डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, सो आपको लगभग सेम प्राइसिंग पे, सेम कंडीशन में एंड लगभग सेम बैटरी हेल्थ में दोनों फोन्स मिलते हैं तो आपको अनडाउटेडली आईफोन XS के लिए जाना चाहिए। बट गाइस अगर फ्रेंकली बताऊं तो अगर आप दोनों फोन्स में से कोई भी फोन बाय करते हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा एंड ये डिफरेंसेस तभी निकल कर आते हैं जब हम इन दोनों फोन्स को कंपेयर करते हैं। सो गाइस ये था इन दोनों फोन्स का डिटेल्ड कंपैरिजन। अब इन दोनों फोन्स में से आप लोगों की क्या चॉइस रहेगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आप लोगों को क्या लगता है कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।